हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत आपके काम आएगी। और मैं बस वही क्वेश्चन दे रहा हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हमेशा पेपर में आते ही आते हैं। इसलिए आप इस टाइप के ट्रिकों को ध्यान से देखें और समझें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फायदे वाली हो सकती है। तो आप देखते ही ये वाला क्वेश्चन देखो, ट्रिक सिखाता हूँ मैं आपको। अगर क्वेश्चन में कहा है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू थ्री है, x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू थ्री है, देन हमें निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है। और अगर हमें ये दे रखा है तो देखो ट्रिक से हम कैसे सॉल्व कर दे, ट्रिक अगर हम लगाएंगे तो तुरंत आंसर निकल जाएगा। जैसे अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो, देखो किसी भी संख्या का ये दे रखा है x प्लस वन अपॉन एक्स, क्या दे रखा है x प्लस वन अपॉन एक्स, और हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, x स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो जब भी हमें किसी संख्या का स्क्वायर निकालना है, जब भी हमें किसी संख्या का स्क्वायर निकालना है, तो अगर प्लस है तो ये वाली जो संख्या है प्लस है तो स्क्वायर करके दो घटा दो, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हमेशा क्या होगा, स्क्वायर करके दो घटा दो, तो हमारा कितना आंसर आ गया, थ्री का स्क्वायर नाइन में से टू का सेवन। तो आप तुरंत ही आंसर कर सकते हैं, ये तो मैंने लिख के भी दिखाया, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करेंगे, हमेशा स्क्वायर करके दो घटा दो, तीन का स्क्वायर नौ और नौ में से तीन गया सात, आ गया ना आंसर, तो भी हमारा राइट आंसर आ गया। समझ में आया, आप देखते या तुरंत आंसर कर सकते हैं। अगर प्लस है तो स्क्वायर करके दो घटा दो, तो स्क्वायर करके दो घटाएंगे तो क्या होगा, तीन का स्क्वायर नौ, नौ में से दो गया सात आ गया। ठीक, आपको लॉन्ग तरीके करके दिखाता हूं मैं। अगर आप लॉन्ग से वैसे करना मत कभी भी, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक ही काम आएगी, क्योंकि आपको एक मिनट में क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है, तो आप उससे पहले ही सॉल्व करें अगर ट्रिक है तो। देखो वैसे लॉन्ग से करके देखा तो बहुत बड़ा हो जाता है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू थ्री है। अगर मैं इसे लॉन्ग से करूं तो कितना लॉन्ग हो जाएगा, देखो पहले करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो क्या होगा फॉर्मूला, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू थ्री, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, और यहाँ थ्री का स्क्वायर तो नाइन, थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायरिंग देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड करी तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर थ्री का स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी और थ्री का स्क्वायर नाइन, एक्स एक्स कट गया, क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये दो उधर जाके घट जाएगा तो कितना आ गया सेवन। तो आप इतना लॉन्ग करेंगे ही क्यों, सिंपल सी बात है, अगर प्लस दे रखा हो तो स्क्वायर करके दो घटा दो, तो स्क्वायर करके दो घटा दो जब भी प्लस दे रखा होगा। आई बात समझ में आपको। अब अगली ट्रिक बताता हूं, अगले क्वेश्चन में जैसे ये है ट्रिक, इस वाले में क्या करेंगे, अगर माइनस हो तो देखो स्क्वायर करके दो जोड़ दो, देखो माइनस प्लस वाले में क्या कर रहा है, स्क्वायर करके दो घटाया था, प्लस वाले में घटाया था, याद रखना प्लस वाले में घटाया था, तो माइनस वाले में क्या करें, स्क्वायर करके दो जोड़ दो। तो अगर मुझे निकालना एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर करके दो जोड़ दो तो कितना आ जाएगा इलेवन। आई सर ट्रिक से करो तुरंत सॉल्व है, माइनस है तो स्क्वायर करेंगे, तीन का स्क्वायर नौ, दो जोड़ेंगे तो क्या आ गया इलेवन, इलेवन हमारा राइट आंसर हो गया। आई बात समझ में। अब कुछ बच्चे कहते हैं ये माइनस होगा ये प्लस होगा, अरे भाई स्क्वायर है, स्क्वायर वाली टर्म हमेशा प्लस में ही पूछी जाएगी, ये वाला माइनस में प्लस हो सकता है और माइनस हो सकता है, तो प्लस होगा तो स्क्वायर करके दो घटा देंगे और माइनस होगा तो स्क्वायर करके दो जोड़ देंगे। ये हमारी ट्रिक है इस टाइप के क्वेश्चन की, आपको समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो अब इस क्वेश्चन में आप क्या ध्यान रखेंगे कि जितनी भी मैं ट्रिक समझाता रहा हूं ना, आप उसे ध्यान से समझ लें, क्योंकि जो मैं ट्रिक समझा रहा हूं उन्हें ध्यान से याद रखें, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपने जरा से भी वो भूल गए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे ये देखो, अगर मैं इसे लॉन्ग मेथड से सॉल्व करूं तो काफी लॉन्ग हो जाएगा, और ट्रिक से आप तुरंत ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स है कितना है, फोर है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स फोर है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्या है फोर है, हमें क्या लाना है एक्स ही फोर प्लस वन अपॉन एक्स ही फोर, ठीक है, हमें दे रखा है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स फोर है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स फोर है, हमें लाना है एक्स ही फोर प्लस वन अपॉन एक्स ही फोर। तो हम ये कैसे लेके आ सकते हैं, देखो ट्रिक लगाते हैं, पहले मैंने बताया था ट्रिक डायरेक्ट फोर की नहीं थी, स्क्वायर की थी। तो अगर मुझे इस संख्या का स्क्वायर करना, अगर मुझे इस संख्या का स्क्वायर करना है तो प्लस वाले मैंने बताया था स्क्वायर करके दो क्या करेंगे, घटा देंगे, स्क्वायर करके दो घटा देंगे, तो कितनी संख्या है, चार है। ठीक,
आप क्या करना है, जो भी x प्लस वन अपॉन x फोर है तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, मैंने स्क्वायर लाने के लिए पहली ट्रिक बताई थी मैंने कि स्क्वायर लाने के लिए स्क्वायर करके दो घटा दो, तो चार का स्क्वायर सोलह, सोलह में से दो गए चौदह, कितना आ गया, तो x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या गया 14, तो x प्लस वन अपॉन से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ले आए, कैसे लाए, स्क्वायर करके दो घटा दिया 14 आ गया। अब 4 पावर लानी है तो 4 अपॉन 4, अब स्क्वायर का स्क्वायर फिर से 4 हो जाएगा, तो अब क्या स्क्वायर वाली टर्म क्या, ये रही स्क्वायर करके दो घटा दो तो कितना आएगा, 14 का स्क्वायर 196 में 2 जाएगा तो 194 आ जाएगा, आई बात समझ में, 14 का स्क्वायर 196 2 गया तो 194, तो कितना आ गया, ये हमारा आंसर आ गया डी ऑप्शन। अब देखो मैंने इतना करके भी दिखाया, आप तो देखते के साथ आंसर निकाल सकते हैं, जैसे देखो ये है एक पावर दे रखी है, चार पावर लानी है, तो दो लाने के लिए क्या करें, स्क्वायर करके दो घटा दो, चार का स्क्वायर 16, 16 में से दो गए 14 आ गया, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गए 14, और 4 लानी है तो फिर 14 का स्क्वायर क्या हो गया 196 में से 2 गया 194, तो आप ओरल भी इसे निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है, तो आपकी एक टाइप की ट्रिक खत्म हो गई, क्या था, जब भी हमें स्क्वायर लाना हो तो स्क्वायर करके दो घटा देंगे और माइनस होगा तो दो जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसका उल्टा देखते हैं, देखो अब स्क्वायर वाली टर्म गिवन है, क्या है स्क्वायर वाली टर्म गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर 102 है, स्क्वायर वाली टर्म गिवन है, देन फाइंड करना एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, क्या निकालना एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे, देखो ट्रिक क्या है हमारी, स्क्वायर वाली टर्म दे रखी ये लाना है तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स लाना है, ठीक है, स्क्वायर से एक पावर पे आना है, तो क्या करेंगे रूट करके, क्या है 102 है 102 है, रूट करके दो घटा देंगे, तो याद रखेंगे इस वाले में माइनस में माइनस ही करना है, माइनस में माइनस ही करना है, तो माइनस वाले में माइनस करेंगे, रूट करके दो घटा दो तो कितना आ जाएगा ये 10, आएगा समझ में, कितना आसान है ट्रिक, जब भी हमें स्क्वायर दे रखा हो एक पावर पे लाना हो तो रूट करके दो घटा देंगे, रूट करके दो घटा देंगे, तो इसका जब भी दो से एक पावर पे आएंगे तो रूट करके दो घटा देंगे, तो 102 में से दो गया 100 का रूट 10 आ गया, समझ में, रूट करके दो घटा देते हैं, इजी है, अच्छा भी लग रहा होगा, ऐसा नहीं है, अगर आप समझेंगे ध्यान से तो आपको अच्छा भी लगेगा, बिल्कुल बढ़िया से ट्रिक हो रही है तुरंत ही। देखो ट्रिक अगली देखना, इसको अगला क्वेश्चन, स्क्वायर दे रखा है एक पावर लानी है, ठीक है, अब हमें क्या लाना है x प्लस वन अपन x, पिछले उसमें क्या फर्क है, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस है, तो दो से एक पावर में आने के लिए क्या करते हैं, रूट करके, दो से एक पावर में आने के रूट करके दो जोड़ देंगे, क्योंकि प्लस है इसलिए दो जोड़ रहे हैं, और माइनस होता था तो दो घटाते थे, तो प्लस है तो दो जोड़ देंगे, तो दो जोड़ दिया कितना आ जाएगा ये 324, ये होता है 18 का स्क्वायर, तो आंसर आ गया हमारा 18, आसान है, तो जब भी प्लस होगा तो क्या करना है रूट करके दो जोड़ देंगे, ठीक है, समझ में आया आपको, ध्यान से प्रैक्टिस कर ले, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो जो भी ट्रिक बताता जा रहा हूं उसे ध्यान से समझते रहे, क्योंकि उसके बेस पे क्वेश्चन और टफ से टफ बनाता रहूंगा। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अगर हम इसे लॉन्ग से करें तो प्रॉब्लम हुई, शॉर्ट में आप बहुत आसानी से कर सकते हैं ट्रिक में, जैसे अगर मैं इसमें ट्रिक लगाऊं, देखो अभी आपको मैंने ट्रिक बताई थी, क्या माइनस होगा तो रूट करके दो घटा देंगे, और अगर प्लस होगा तो रूट करके दो जोड़ देंगे, यही तो था। अब चार पावर है, देखो एक्स की फोर प्लस वन अपॉन एक्स की फोर, हमें लाना है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो हम कैसे करें, सबसे पहले स्क्वायर लाएंगे, सबसे पहले क्या लाएंगे स्क्वायर, ठीक, फोर से हम टू पावर पे जाएंगे, फोर से टू पावर पे, तो ट्रिक क्या आएगी, रूट करके, किसका रूट करें 322 का, रूट करके दो जोड़ देंगे, अब जोड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, देखो मैंने बताया ना प्लस में प्लस ही करते हैं, तो रूट करके दो जोड़ देंगे, रूट करके दो जोड़ देंगे, प्लस है ना तो रूट करके दो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 324, ये क्या हो गया 18, तो एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 18 आ गई। देखो 4 से हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली, ट्रिक लगाई, रूट करके तो जोड़ा 324 का रूट 18, ठीक। अब हमें लाना है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो अब क्या करेंगे, दो का आधा कर देंगे एक, तो 18 आ गया, 18 में माइनस है तो दो घटा दिया, रूट करके दो घटा दिया, तो कितना आ गया 16, और 16 का रूट आ गया 4, तो हमारा राइट आंसर क्या है 4 है, आई बात समझ में, आप इजीली इसे कर सकते हैं, बस आपको काम क्या करना है, ट्रिक को याद रखना है, इस 4 है तो स्क्वायर लाने के लिए क्या कर, मैंने रूट करके दो जोड़ दिया, रूट करके दो
रूट करके तो जोड़ दिया, तो क्या गया रूट 18। अब एक पावर लानी है तो रूट करके तो घटा दिया, तो क्या गया 4। आई बात समझ में? अब देखते हैं ये वाली ट्रिक, ये क्या है क्यूब वाले क्वेश्चनों के लिए, ये कौन सी ट्रिक है, ये क्यूब वाले क्वेश्चनों के लिए ट्रिक है। तो आप देखते हैं, ये देखो इस वाले में करना क्या है, क्यूब लाना होता है। देखो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू थ्री है, ठीक है। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू थ्री है, हमें लाना है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। तो ये क्यूब वालों में ट्रिक क्या होती है, देखो वो देखते हैं क्यूब वालों की ट्रिक। क्यूब वालों की देखो हर एक टाइप की एक जो ट्रिक है ना उसे माइंड में रखना, ठीक है। अब देखो क्यूब की ट्रिक बनानी है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, इसे ट्रिक से सॉल्व करना है। तो करना क्या है, जो ये संख्या है, जो ये वाली संख्या, इस संख्या का क्यूब करके, इस संख्या का क्यूब करके इसका थ्री टाइम्स घटा दो, इसके क्यूब करके इसका थ्री टाइम्स घटा दो, ठीक है। देखो इस संख्या का क्यूब करा, इस संख्या का क्यूब करा, इसकी पावर तीन कर दी, इसी में से घटा दे इसका तीन गुना, थ्री से मल्टीप्लाई करके इसी को घटा, तो इसकी क्यूब करना, इसी का तीन गुना घटा देना है। तो ये कितना आएगा, 27 माइनस 9 कितना गया 18 हमारा राइट आंसर हो गया। आई बात समझ में? तो अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो इससे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 33 सेम बनना था। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, डिजिट अलग है बस। देखो हमें एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब लाना है, ठीक। अगर आपको वो नहीं है, इसमें पूरा समझ में आ जाएगा। करना क्या होता है, प्लस वाले में माइनस करते हैं हमेशा, तो क्या करना है हमें, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टू है, हमें क्यूब लाना है। तो जो ये संख्या है, जो ये वाली संख्या है, इस वाली संख्या का क्यूब कर देंगे, इस वाली संख्या का क्यूब कर देंगे, प्लस है इसलिए क्या करें, इसका थ्री टाइम्स माइनस कर देंगे, ठीक है। आई बात समझ में? इस संख्या का क्यूब कर देंगे और माइनस करेंगे इसी का थ्री टाइम्स, ठीक है, समझ में? इस संख्या का क्यूब कर देंगे और माइनस कर देंगे इसी का थ्री टाइम, तो टू की क्यूब कितना आ गया 8। अब 3 2 6 क्या आ गया आंसर 2, तो इसका आंसर क्या आ गया, डी आ गया 2। आएगा समझ में आपको? तो मैंने बताया प्लस वाले में हमेशा क्या करना है, माइनस करना है थ्री टाइम्स। अब अगर माइनस वाला क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, इसे ट्रिक से करते हैं, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, जो ये संख्या है उसकी क्यूब करना है, ठीक है, जो ये संख्या है उसकी क्यूब करना है, माइनस वाले में प्लस करना है थ्री टाइम्स। देखो प्लस वाले में माइनस कराता थ्री टाइम्स, माइनस प्लस वाले में माइनस कराता थ्री टाइम्स, तो माइनस वाले में क्या करना है, प्लस करना है इसका थ्री टाइम्स। तो थ्री की क्यूब कितना आ गया 27, थ्री की क्यूब 27, अब इसी का थ्री टाइम्स प्लस करा तो कितना आ गया 9 यानी 36, ये हमारा आंसर हो गया। ट्रिक से बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बस आपको ट्रिक ध्यान रखनी जरूरी है, ठीक है। तो क्या करा मैंने, एक बार रिपीट, प्लस था इसलिए क्यूब करके इसका थ्री टाइम्स घटा दिया, माइनस था तो क्यूब करके इस प्लस कर दिया इसका थ्री टाइम्स। बहुत आसान है, आसानी से कर सकते हैं आप। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, आपको बता देगा कि आपने पिछली ट्रिक ध्यान से समझी या नहीं समझी। अगर आप में थोड़ी सी भी ट्रिक समझने में प्रॉब्लम हुई होगी तो आपको ना ये क्वेश्चन प्रॉब्लम कर जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसमें जरा सी भी प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा से एक बार वीडियो देख लें, जिससे ट्रिक माइंड में आ जाए, ठीक है। और वैसे तो ये बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है, तुरंत ही आप कर सकते हैं। अब देखो इसकी ट्रिक क्या होती है, इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सबसे हार्ड क्वेश्चन है ये इसका, और हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए मैंने, इससे अलग कोई भी टाइप नहीं बनेगी जो पेपर में आ जाए, ठीक है। एक्स की 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की 4 इक्वल टू 119 ये दे रखा है, यानी 4 पावर दे रखी है, हमें क्यूब लाना है। अब देखो 4 दे रखी है, क्यूब लाना है। अब देखो डायरेक्ट तो कोई ट्रिक थी नहीं ऐसी कि 4 से क्यूब आ जाए। अब 4 से क्यूब लाने के लिए हमें कौन कौन सी ट्रिक लगानी पड़ेगी वो देखो। पहले 4 है, 4 से हम स्क्वायर पावर पे जा सकते हैं, 4 से हम एक्स की 2 पावर पे जा सकते हैं। मैंने बताया था 4 से अगर 2 पावर पे लाना तो रूट करके क्या करते हैं, 2 जोड़ देते हैं, क्योंकि प्लस है तो 2 जोड़ देंगे, और 4 से 2 पे आएंगे तो रूट कर देंगे, तो रूट करके 2 जोड़ा कितना आ गया 121, ये कितना हो गया 11, ठीक है। अब इसमें x माइनस 1 अपॉन x लाएंगे, क्योंकि माइनस की क्यूब जब ही आएगी जब ये माइनस में होगा, तो देखो रूट करके 2 घटा दो कितना आ गया 9, और 9 का रूट 3 आ गया। आया समझ में? x माइनस 1 अपॉन x लाना है तो रूट करके 2 घटा दो, रूट करके 2 घटा देंगे तो कितना आ गया 3 आ गया। आएगा समझ में? अब क्यूब करना है, अब क्या लाना है क्यूब। अब क्यूब वाली ट्रिक देखते हैं। आएगा समझ? देखो पहले इस 4 से 2 पावर पे गए, रूट करके 2 जोड़ दिया,
तो कितना है 1 to 1 यानी 21। एक्स माइनस 1/x रूट करके दो घटा दिया, ठीक है। यही तो मैंने समझाया था, आधी पावर करते हैं और फिर माइनस वाले में माइनस करते हैं और प्लस वाले में प्लस। अब क्यूब वाले में क्या करते थे, अब अगर x माइनस 1/x है क्यूब लाना है, ये तो लास्ट क्वेश्चन ही बन गया। आपने देखा था लास्ट क्वेश्चन सेम यही तो था, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, ये दे रखा था और ये दे रखा था, हमें क्यूब लाना था। तो वही हम कर रहे हैं, क्यूब करके माइनस वाले में क्या करते हैं 3 times plus, क्यूब करके 3 times plus करते हैं। तो देखो 3 की क्यूब कर दी, क्यूब करके प्लस कर दिया सी का 3 times, क्यूब करके सी का 3 times plus कर दिया, तो 27 + 9 यानी 36। तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी 36। आया समझ में आपको? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, और मैं आपको ये जो इसके फॉर्मूले दे रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट और ये ट्रिक भी दे रहा हूँ, ठीक है। इस इमेज को आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें और इस स्क्रीनशॉट को लेके आप हमारा पॉलिटेक्निक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम आपको कोई भी सिलेबस के बारे में या फॉर्म के बारे में या आप उसमें स्टडी के बारे में किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इस ग्रुप में प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन में या किसी भी चीज़ में कोई किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप इसमें आप जान पाएंगे, और कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है पॉलिटेक्निक के बारे में तो आप वो भी जान लेंगे। आप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप मुझे मेरे नंबर 9717406249 पर मैसेज करेंगे, दिल्ली पॉलिटेक्निक 2020, तो मतलब व्हाट्सएप पे क्या मैसेज कर देंगे, दिल्ली पॉलिटेक्निक 2020 लिखकर मैसेज कर देंगे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा।